शिरो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। बहुत ही बड़ी अपडेट हमारे सामने आ रही है, जहाँ पर ड्राइवर और कंडक्टर को खाना खिलाया, 300 रुपए दिए और फिर सवारियां लेके फरार हो गए। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, पूरी अपडेट आपको देते हैं, काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला हमारे सामने आगरा से आ रहा है और ग्वालियर के डीएसपी एसपी से बात की जा रही है, उनके साथ संपर्क बनाया जा रहा है। बोला जा रहा है कि एक्चुअली में ताजा जानकारी ये मिल रही है कि आगरा में सवारियों को बस के समेत ही एक्चुअली में हाईजैक कर लिया गया है। ये पूरा अपडेट काफी ज्यादा चौंकाने वाला है और उसी के साथ ये भी सब चीजें बताई जा रही है कि कंडक्टर और बस ड्राइवर को एक ढाबे पे रोका बस के समेत और उनको नीचे उतारा और खाना पीना खिलाया और 300 रुपए दे के एक्चुअली वहां से बस को लेकर और सवारियों को लेकर फरार हो गए और हाईजैक कर लिया है। अभी तक पुलिस को ये बस का पता नहीं चला है। पुलिस सिर्फ इतनी बात बोल रही है कि शायद सवारियां अपने घर पे चली गई हों और उसी के साथ बस के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। और जब ड्राइवर और कंडक्टर से बात की गई तब उन्होंने ये चीज बताया है कि जो चार लोग थे उनका कहना ये था कि श्री राम फाउंडेशन से वो आए हैं। बस के जो मालिक है, प्राइवेट बस थी, उनके मालिक ने एक्चुअली में श्री राम फाउंडेशन को इसका लोन नहीं चुकाया है, वो इसीलिए बस लेने के लिए आए हैं और उनके साथ बातचीत करके उनको वहां पर बिठा के बस ले गए थे। और उसी के साथ अभी तक बस भी नहीं गई है, श्री राम फाउंडेशन को पता किया है ना, तो उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो वहां पर पुलिस का कहना यह है कि अगर ये सब चीजें सच्ची है तो वो कानूनी तरीके से ये सब चीजें ले सकते थे। सवारी के साथ गायब होना, बस गायब होना, ये कैसे क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरी अपडेट नहीं आ पा रही है। ये पूरा हड़कंप मचा हुआ है ग्वालियर के डीएसपी एसपी के साथ, आगरा के लगातार सब पुलिस बस को ढूंढने की कोशिश कर रही है और ये अभी ये चीज बताई जा रही है, लगाया जा रहा है, सिर्फ हिंट लगाई जा रही है कि किसी को कुछ ना हुआ हो। आखिरकार ये सब चीजें हुई किस लिए, किस डिमांड की वजह से बस को हाईजैक कर लिया गया है, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। हर एक न्यूज चैनल पे, हर जगह पर ये फैल रही है। हालांकि आप लोग क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।